भव्य और सुंदर ये मंदिर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में अब हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। विजयदशमी के बावन मौके पर इसके कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। यूएई में इस मंदिर की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी, क्योंकि त्योहारों के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों को पूजा पाठ अपने घर पर ही करनी पड़ती थी। इसलिए प्रशासन की मदद से इस भव्य मंदिर के सपने को साकार किया गया। सफेद मार्बल से बने इस मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत और बारीक नक्काशी एक नजर में ही किसी का मन मोह लेती है। मंदिर के मुख्य प्रार्थना कक्ष में ही सभी देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं और मुख्य गुंबद पर 3D प्रिंटेड गुलाबी रंग का कमल नजर आता है, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। अंदर के पिलर्स की डिजाइन गुजरात के सोमनाथ मंदिर से प्रेरित है, जबकि शिखर हिंदू मंदिर के नागर शैली से प्रेरित है। इतना ही नहीं, इसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के लिए एक अलग कक्ष भी बनाया गया है। जाबेल अली इलाके में मौजूद यह मंदिर 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके निर्माण में करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और एक ज्ञान कक्ष और एक अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर में रोजाना 1,000 से लेकर 1,200 लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्तों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। दुबई में इस नए हिंदू मंदिर की स्थापना यहाँ पे रहने वाले भारतवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ और भी मंदिर है, लेकिन ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, जिसमें कि करीब 16 deities हैं और गुरु ग्रंथ साहब भी है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन भी बेहद भव्य तरीके से किया गया। दशहरे से एक दिन पहले मंदिर का उद्घाटन यूएई के कैबिनेट मिनिस्टर शेख नहायन बिल मुबारक अल नहायन ने किया। इस मौके पर यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर और कई धर्मों के धर्म गुरु भी मौजूद रहे। यहाँ की आबादी भारतवासियों की करीब 35 लाख की है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ रहते हैं और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये टेम्पल बने, कब ये पूरा हो और यहाँ आना शुरू करें। ये मंदिर दुबई का दूसरा हिंदू मंदिर है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर 1958 में तैयार हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के मौके पर इस नए मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आ सकते हैं।